हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि आज हम आपको ले जाने वाले हैं अंतरिक्ष की सैर कराने, वो स्पेस रॉकेट से नहीं बल्कि इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, नासा की रिपोर्ट के अनुसार हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 4.5 बिलियन साल पुराना है, जो कि उस समय घने बादल, धूल और गैस के रूप में था। सिर्फ हमारे ग्रहों के ही चांद नहीं होते हैं, बल्कि छोटे छोटे जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं उनके भी खुद के चांद होते हैं, और ये चांद एस्ट्रॉइड्स की चक्कर लगाते हैं। अभी साइंटिस्ट ने 300 से अधिक एस्ट्रॉइड्स का पता लगाया है जिनके पास खुद के मून है, जबकि कुछ एस्ट्रॉइड्स के पास तो दो दो मून है। और एक चीज और आपको बता दें, पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह नहीं है जिसके पास मून हो। हमारे सौर मंडल पर लगभग 150 के करीब मून्स हैं, जिसमें से प्लूटो के पास 5, जबकि बुध व शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई चांद नहीं है। और 2017 में एस्ट्रॉइड 3122 नाम का उपग्रह खोजा गया था जिसके पास भी दो चांद हैं। बापरे, इतने सारे चांद। बढ़ते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स की तरफ। तो दोस्तों, न्यूट्रॉन स्टार्स स्पेस में पाए जाने वाले ऐसे तारे होते हैं जिनका आकार बहुत ही छोटा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डेंसिटी होने के कारण एक चम्मच के आकार के न्यूट्रॉन तारे का वजन 4 बिलियन टन होता है। न्यूट्रॉन स्टार एक सेकंड में 600 बार घूमते हैं, और दो न्यूट्रॉन तारे के टकराने पे ब्लैक होल बन सकता है। इनकेस अगर दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकरा गए तो पक्का ही वहाँ पे ब्लैक होल बन सकता है। अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत है क्योंकि वहाँ कोई हवा नहीं है, इसीलिए अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं देती। और हवा न होने के कारण चांद पर जो भी निशान है वो कई सालों तक वैसे ही बने रहते हैं। शनि यानी सैटर्न एक ऐसा ग्रह है जो पानी पर तैर सकता है, क्योंकि यह अधिकतर गैस से बना हुआ है जिस कारण इसका जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम है। प्लूटो हमारे पृथ्वी से इतनी दूर है यह ग्रह कि अगर हम हवाई जहाज में बैठकर भी प्लूटो की तरफ जाते हैं तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें वहां पहुंचने में 800 साल लग जाएंगे। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। बृहस्पति ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के जितना होता है, क्योंकि बृहस्पति अपने जो कक्ष है उसमें बहुत आराम से घूमता है, और इसे अपना एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 243 दिन लग जाते हैं। पर आपको बता दें कि बृहस्पति की दशा के अनुसार ही महाकुंभ का आयोजन भी होता है। पृथ्वी के भूकंप यानी अर्थक्वेक की तरह ही चांद पर भी भूकंप आते हैं, जिनको हम वहां पे मूनक्वेक कहते हैं। और चांद में कोई हवा न होने के कारण इस पे जो दाग बनते हैं वो लंबे समय तक टिके रहते हैं। लैप्टस ये शनि ग्रह का एक ऐसा चांद है और सौर मंडल का इकलौता ऐसा सैटेलाइट मून है जो दो कलर्स का है, यानी इसके दो रंग है। ये एक तरफ से सफेद है जबकि एक तरफ से हल्के काले रंग का है, और वैज्ञानिक भी आज तक साफ तौर पर नहीं बता पाए कि इसके दो रंगों का राज क्या है, यानी चांद के भी रंग बदलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो 2018 में AG-37 हमारे सौर मंडल में ढूंढी गई अब तक की सबसे फार ऑब्जेक्ट है, जो सूर्य से लगभग 19.78 प्लस माइनस 0.22 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसे 2018 में खोजा गया था और फरवरी 2021 में दुनिया के सामने इसको रिवील किया गया था, और सूर्य से इतनी दूर होने की वजह से इसका निकनेम भी दिया गया है, जो कि है फार फार आउट। हम आसमान में जिस भी तारे को देखते हैं वो उस समय वहां पे मौजूद नहीं होता है, क्योंकि तारे पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है, इसलिए अभी आसमान में मौजूद तारों की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं, जिसके बाद ही वो हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अगर 200 मिलियन लाइट ईयर्स दूर कोई एलियन हमारी पृथ्वी को बहुत ही मॉडर्न टेलीस्कोप से देख भी रहा होगा तो भी 200 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी होने के कारण उन्हें पृथ्वी पर जोरासिक काल के डायनासोर्स दिखाई दे रहे होंगे। शायद ये भी एक रीजन है कि एलियंस धरती पे आ नहीं रहे हैं। वैज्ञानिकों ने 5-5 कैंक्री नाम का एक ऐसा ड्यूओ स्टार खोजा है, यानी द्वितारा, जो कि हीरों से भरा हुआ है। जी हाँ, यह हमारे पृथ्वी से 41 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि जो इसका आकार है
वो आसमान में अगर पृथ्वी को एक तरफ रख दें और एक तरफ इसको, इसका जो साइज है वो पृथ्वी से दोगुना आपको लगेगा। पर ये जो डियो स्टार है वो पूरा कार्बन से बना है और कार्बन से बने अपने तारे के चक्कर काटते रहता है। इस डियो स्टार का तापमान 1300 डिग्री से लेकर 1400 सेल्सियस तक हो सकता है, और इतना ज्यादा तापमान होने के कारण इसकी जो सरफेस है वहां पर जो कार्बन है वो हीरे में बदलते रहते हैं। तो इसी तरह वहां पे हीरों का बहुत सारा भंडार बन गया है। 2006 में खोजा गया TRES-2b ग्रह अब तक का खोजा गया अंतरिक्ष का सबसे काला ग्रह है, यानी कि यह हमारी पृथ्वी से 750 लाइट ईयर्स दूर है और अपने ऊपर पड़ने वाली 1% से भी कम रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। कि अगर आप दूर से इस ग्रह को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह कोई काला सा धब्बा है। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा फैकल्टी के एक अध्ययन के अनुसार हर सेकंड सूरज है उसका जो वेट है वो घटता जा रहा है। सूरज हर सेकंड अपना 4.3 मिलियन टन वजन खो रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि ये वजन सूरज के भार का सिर्फ 2×10⁻²⁰ है, यानी कि समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालने जितना। अंतरिक्ष में जब भी एक जैसी धातुओं के दो टुकड़ों को आपस में मिलाया जाता है तो वो हमेशा के एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और इस प्रोसेस को कोल्ड वेल्डिंग नाम दिया गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में हवा और पानी मौजूद नहीं होते, और एक जैसी धातु के जो एटम्स एंड पार्टिकल्स हैं वो खुद को, मतलब दूसरी धातु है उसको भी जो पहली धातु है वो अपना ही हिस्सा मानने लगती है, और इसलिए वो आपस में वेल्ड हो जाते हैं। कार्बन लाइन हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की ये एक बाउंड्री लाइन है। कार्बन लाइट को हमारी पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर मौजूद है, यानी पृथ्वी के अगर आप 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहीं से स्पेस का बॉर्डर लग जाता है, बस वहां पे कोई टोल टैक्स नहीं है। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों को मिलाकर भी ये सभी से 2.5 गुना बड़ा है। पृथ्वी की आकार की जो 1300 ग्रह हैं वो जुपिटर में समा सकते हैं, यानी कि 1300 या फिर 1300 से ज्यादा जो अर्थ्स हैं वो जुपिटर में फिट हो सकती हैं। इसके विपरीत जो मर्क्यूरी है यानी शुक्र ग्रह, वो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन ये सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है और इसके घूमने की रफ्तार है 47 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं दोबारा एक न्यू वीडियो में। टिल देन थैंक यू।